यकीन करें आप, शिफ्ट होना, घर मूव करना बड़ा मुश्किल काम है, हर किसी का काम नहीं है। आप यकीन करें 3 से 4 दिन लग जाते हैं पैकिंग वगैरह में, सेटिंग करने में। आप यकीन करें इतना मैं थका हूँ, इतना थका हूँ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। तो व्यूअर्स, आप देखें, यहाँ से जब घर शिफ्ट होता है आपको पता है, फिर जब मूव होते तो 3 से 4 दिन लगते हैं। अब 3 से 4 दिन हम कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ भी मैं व्लॉग बनाता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। आप यकीन करें, जो रात को 1 बजे हम लोग मूव हुए तो 2 बजे मैंने खाना खाया, इसके बाद जाके मैं 5 बजे मुझे नींद आई है, क्योंकि घर नया है, डर भी लग रहा था, क्योंकि जब तब्दील होता है ना तो ज़मीनें भी तब्दील होती है, घर भी चेंज होता है, तो इसमें क्या इंसान को नींद नहीं आती है, सेटिंग पूरी आउट हो जाती है। तो आप यकीन करें ना करें, मुझे नींद आई है 5:15 बजे और मैं 7:30 बजे उठ गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 8:30 बजे काम पे आ चुका हूँ और इस तरह मेरा वीलॉग ऑन। और आप वीलॉग आप दूसरी बात के आपसे करनी थी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जो मैंने 75 वाली नोट पे जो वीडियो बनाई थी और आपने मुझे वीलॉग पे माशाल्लाह मेरा वीलॉग बहुत चला है और जितनी तारीफ़ आपकी की जाए कम है। आपने मुझे सपोर्ट किया, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। सबसे ज़्यादा इसमें मैं क्रेडिट अपनी बेटी को दूंगा, वो भी लगी हुई थी, मेरी सासू माँ वो भी लगी हुई थी और सफ़ान खुद भी लगा हुआ था। हमारा निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम था, 3 दिन से हम लगातार मेहनत कर रहे थे। अल्लाह पाक इसका अज़र देता है हम लोग को। और दूसरी बार ये वो भी अल्लाह पाक की ज़मीन थी, घर था बहुत अच्छा था माशाल्लाह, तकरीबन हम लोगों ने 9 साल उधर गुजारे, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। बस जो नसीब में जितना होता है, जिसका ज़िंदगी और रिक्स और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, इसी तरह घर भी एक टाइम टेबल होता है, मुख्तसर एक होता है, तो इसमें इंसान को मूव भी होना पड़ता है जहाँ पे उसकी सेटिंग अच्छी हो। भी बस एक चीज़ और बताऊँगा, तो आप दुआ, जो भी मेरा वीलॉग देख रहा है तो दुआ मांगना, वहाँ पे चूहे, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर वगैरह होता है ना तो वहाँ पे चूहों का बहुत खतरा है, तो इसकी वजह से माइंड सेट मेरा चेंज हो गया, तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तो ठीक है, तो प्लीज़ आप मेरे दुआ में याद रखना, अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे, ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। मैं हुसैन और हमारे साथ मौजूद है फारूक मेहमान भाईजान। मैंने पिछली वीडियो की है तो माशाल्लाह बहुत चला, आप लोगों का प्यार था, कमेंट्स आया, तो ये हमारा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबन को दबाओ। और जो है ना हमारी ये शॉप है इसी पे से, इंशाल्लाह आपको इजी लोड वगैरह, एंट्री चार्जर सब कुछ इंशाल्लाह इधर ही मिलेगा। और ये यंग लड़का है, इसके लिए दुआ मांगना, ये सुबह 9 बजे शॉप ऑन करता है, अभी रात के 12 बजे तक कंटिन्यू मेहनत करता है माशाल्लाह। थोड़ा सा लुक्स दिखाता हूँ इसकी दुकान का, देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा है। ये पठान लोग माशाल्लाह बहुत मेहनती होते हैं, तो अल्लाह पाक इनकी रोज़ी रिक्स में बढ़कर अता फरमाए। आप भी दुआ मांगना, क्योंकि इनके वालिद साहब माँ बाप गाँव में होते हैं, तो ये बेचारे यहाँ पे काम करने आते हैं, तो मैंने बोला इनके साथ थोड़ी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत, आपने सपोर्ट दिया, आपने इनको लाइक किया, तो मैंने बोला आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँ। तो प्लीज़ आखिरी बात इनसे कर लीजिए, तो ये दुआओं में इनको ज़रूर याद रखिए। जी भाई, मैं याद रखूँ भाई जान, जितने हमारे व्यूअर्स है, हमारा सपोर्टर है और हमारा टिकटॉक का जो है ना वो भी लाइक करो, Zen2104 का ID फॉलो करो। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया लाइक का, सब्सक्राइब का, और आगे जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, थैंक यू वेरी मच। लंच टाइम ख़त्म, ऑफिस ऑन, अभी मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था, फारूक भाई आप काम पे आए हो, तो मैंने बोला क्यों नहीं आएंगे, बोला आप इतने दिनों से लगे हुए, मैंने बोला अल्लाह पाक अगर दो घंटे भी नींद देता है तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं ना थकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि मुझे सेहतमंद दिया अल्लाह पाक ने। ये देखिए आँखें में बहुत नींद है लेकिन ज़ाहिर नहीं होने देता हूँ, ये अल्लाह पाक का करम है, एहसान है मेरे ऊपर। एक दरख्वास्त है आपसे, प्लीज़ बेटे के लिए थोड़ा से इसके लिए दुआ की दरख्वास्त दूँगा। आज उसकी तबीयत ख़राब है, बुखार आ चुका है, आज आपको पता है टाइफाइड वगैरह और चिकन गुनिया भी है, और ये आपको पता है कि आजकल जो बीमारी निकली है वो भी बड़ी खतरनाक है, तो इसके लिए मुझे बड़ा डर लगता है इसके लिए कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी हो जाए, क्योंकि टांग का दर्द होता है, फिर उल्टियाँ वगैरह होती है मेंटल, जिसमें बड़ा नुकसान होता है। ठीक है जनाब, केबल तो मेरा ऑन हो गया, ये देखिए बोन न्यूज़ मेरा फेवरेट, ARY मेरा फेवरेट, 92 न्यूज़ मेरा, मैं तकरीबन यही देखता हूँ। अभी मैंने केबल ऑन करवा लिया है, केबल तो ऑन हो गया है लेकिन वो वाईफाई वगैरह मेरा नहीं लगा, क्योंकि मेरे पास ना केबल था और मेरे पास साइबर वगैरह था, ये अच्छी क्वालिटी का था वहाँ पर। ये देखिए ये तार है सारा और ये फाइबर, ये साइबर लगा हुआ है, देखिए ये चीज़ें यहाँ पे, ये सिस्टम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कल कर देता हूँ, मैं तार वगैरह कल आएगा इंशाल्लाह इसका। और इसके भाई वो राउटर है, वो बोले मैं कल आपको दे दूँगा, मैंने बोला मुझे अर्जेंट चाहिए क्योंकि मुझे नेट चलाना है, नेट के बगैर अधूरा हूँ बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि कल तक वेट कर ले तो मैं इंशाल्लाह लगा देता हूँ।
असल में मैं तकरीबन 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ प्लम्बर का, साला अब तक नहीं आया वो, कोई काम साला होता नहीं है यहाँ पे। अब घर में घर वाले नहीं हैं, अब वो कहेंगे तुमने आज भी नहीं बुलाया था। मैंने बोला आते ही नहीं करेंगे, हालांकि सामने बैठा होता है। अब मैंने बोला तब तक मैं खाना खा लूँ, क्योंकि मेरी सास का घर भी यहीं है बिल्कुल। माशाल्लाह पुलाव खा रहा हूँ। सपान इस वक्त नानी घर पे है, हमारा नानी मेरे सास के घर यहाँ गली के अंदर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो सपान उधर ही है। तो आएगा तो आखिरी में वीलॉग लेके आपसे इसके साथ मैं वीलॉग बनाऊँगा थोड़ा बहुत, फिर इंशाल्लाह अपडेट कर आपको दूंगा ज़रूर, और फिर वीडियो ही मैं इंतजाम कर दूंगा इंशाल्लाह। तो दुआ मांगे पलम्बर आज, बस आखिरी काम रही है मेरा, तब तक मैं पुलाव खा लूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद।